फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड बिंदु, और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं जो कि वाइट हेयर की जो समस्या है उस प्रॉब्लम से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। नेचुरल जो रेमेडीज होते हैं थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन ये हमारे बालों को लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस में जाने के बाद हमारे बालों को लंबा, काला, घना बनाते हैं और सिल्की और शाइनी बनाते हैं। तो इस रेमेडी को मैंने आज यूज किया है। दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा कलर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। नेचुरल ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये नेचुरल ब्लैक डाई जो है वो इजीली आप घर पे बना सकते हो। जो की चीजें हमारे किचन में अवेलेबल होती है वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होते रहे कुछ इस तरह से। और नोटिफिकेशन जैसे ही आप ऑन करोगे, मेरी वीडियोस जैसे ही आती हैं आप लोगों को इसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की रेमेडी को बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है और अपने बालों पर इसका यूज करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत है दही की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कर्ड कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे मैं दही लिया है, और ये थोड़ी सी जो गिर गई है इसे आप फेंके ना, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो दही लिया है ना, इसे अच्छी तरह से पहले मैश कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये बहुत गाढ़ी दही है, और मैंने इसे फ्रिज में से अभी अभी निकाला है। तो आप इस तरह से दही का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने बालों के लिए। आप घर की दही भी ले सकते हैं या मार्केट वाली, तो मैंने तो यहाँ पे मार्केट वाली दही ली है, ठीक है। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया। बहुत गाढ़ी दही है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करते हैं। बालों को एकदम से मुलायम करने के लिए दही बहुत अच्छे। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में, यहाँ पे मैंने लिया है आंवला का जूस। तो आंवला जूस से भी हमारे बाल काले होते हैं, सफेद बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं आंवला। तो इस तरह से नीचे जो जम गया है उसे भी आप ले लें अच्छी तरह से। अब दही के साथ में आपको आंवला जूस मिलाना है। आप चाहें तो देखिए आंवला पाउडर ले सकते हो, गर्म पानी में उसे खौला करके अच्छी तरह से आंवला का आपको ले लेना है वाटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला का जूस लिया है, और इस दही में आपको मिक्स करना है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है चाहे तो, फिर सफेद बाल हैं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है इससे। इस रेमेडी को आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं त्रिफला का। त्रिफला आप लोगों के साथ में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में शेयर की थी, काफी अच्छे होते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला का इसमें मिक्सचर होता है। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आंवला का जूस भी लिया है और इसमें आंवला भी है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। आप पाउडर भी ले सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी जम जाती है, तो आप थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से, ये देखिए एक से दो बड़े चम्मच अगर आपने यहाँ पे त्रिफला का यूज किया दोस्तों, ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए, बालों को काला बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से आपको त्रिफला का यूज करना है। अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए दही के साथ में। बहुत ही कमाल की रेमेडी है दोस्तों। इसे अगर आप अपने सफेद बालों पे, व्हाइट हेयर पे लगाएंगे ना, 100% आपके बाल काले होंगे। सफेद बालों की जो समस्या आजकल हर घर में देखी जा रही है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा इस तरह से। देखिए हमारी रेमेडी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और उसी के साथ में हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये देखिए दोस्तों, इंडिगो पाउडर, जिसे हम नीला पत्ता के नाम से जानते हैं। नेचुरली हमारे बालों को काला बनाती है। यहाँ पे बस आपको एक से दो चम्मच इस इंडिगो पाउडर को आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। देखिए सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही नेचुरल है, और नेचुरली हमारे बालों को काला बनाती है। अब आपको इन सारी चीजों को इसके साथ में मिक्स करना है अच्छी तरह से। पाउडर नेचुरली हमारे बालों को डार्कर, एकदम डार्कर शेड देने का बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने इसे दही के साथ में और इस सारी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज कर ली ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों को काला बना देगी। ये देखिए, इसे देखिए, इस तरह से आपको इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को आपको रेडी करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना। ये देखिए, बस इसका आप एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दीजिए। मे बी लाइट की वजह से आप लोगों को ना दिखे अच्छी से। ये देखिए इसका कलर देखिए, और मैंने यहाँ पे लाइट चालू कर दी है ना, तो आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखो, दही के साथ में आपको इसको मिक्स करना है। इसे ना मैं अभी छोड़ने वाली हूँ कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए,
ढक के रखूंगी, इसका कलर भी चेंज होगा। दोस्तों बहुत अच्छी सी रेमेडी है ये, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। बाल सफेद हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, सिल्की सॉफ्ट शाइनी, और बालों को आप मजबूत और काला लंबा घना और चमकदार बनाने का बहुत अच्छा काम करेगी। नॉरिशमेंट देगी आपके बालों को, हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बना देती है आपके बालों के, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस रेमेडी को यूज करना है और अपने बालों पे इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।